इधर वीडियो वॉइस ओवर के साथ। तो बेसिकली आज एक सोलो वर्सेस स्क्वाड का मैच है, तो इसमें आपको मैं वॉइस ओवर दूंगा कि किस तरीके से आप सोलो वर्सेस स्क्वाड में गेम जीतने के चांसेस आप बढ़ा सकते हैं, अपना खुद का कहाँ लैंड करना है कैसे। तो मुझे किल्स चाहिए तो मैं हसीडो लैंड करता हूँ, तो टीपीपी का इस्तेमाल किया, मुझे पता है उसका बंदा उसको रिवाइव करेगा। ऑब्वियसली आई स्टे हियर गेम फॉर सम टाइम, तो देखते ही देखते अगला बंदा भी आ गया। जल्दी एक विंडो मिल गया मुझे कि चलो भाई दो बंदे नॉक है, पुश करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं जाता भी हूँ, मुझे पता नहीं बंदे कितने हैं, दो है, तीन है, चार है। अगर फोर मैन स्क्वाड है तो दो बंदे नॉक है और दो बचे। बेसिकली इट्स लाइक आई एम गोना पुश देम, इट विल बी वन वर्सेस टू। कभी यहाँ जाके एक सरप्राइज मिलता है कि यहाँ पे सिर्फ दो ही बंदे नॉक देते, दूसरे इसके टीममेट्स यही नहीं आते हो। सो बुलेट कंजर्व करने के लिए मैं फटाफट एक ही गोली मारता हूँ, शार्प बनने की कोशिश। आपके सामने देख रहा हूँ मैं मूव में, क्यों भाई क्यों करता हूँ। चलो तो दो किल कंफर्म होते हुए अब भाई कार्यक्रम चालू होता है आगे बढ़ने का। बंदा इधर स्पॉट हो चुका है ऊपर, तो टीपीपी तो भैया टीपीपी लो मारो। अब मुझे पता भाई इसका से तगड़ी लूट, मैं आगे प्रोसीड कर ही जाता तो यहाँ मुझे बंदों की फायरिंग के शॉट्स आने लगे थे। तो मुझे कंफर्म हो जाता है भाई बंदे सामने हैं, तो देखते एक तो लोग हैं बंदे टीपी भी ले रहे, दूसरे स्क्वाड के अगेंस्ट। वन डाउन वन मोर टू गो। यहाँ मैं ज़्यादा टाइम रहता नहीं, मुझे पता है भाई ज़्यादा अगर स्कोपिंग करेंगे तो सामने वाले कंपाउंड से पड़ेंगे शॉट्स, तो भैया सोलो वर्सेस स्क्वाड का हो जाएगा कचरा। तो सोलो वर्सेस स्क्वाड में पहली चीज़ भाई थोड़ा कवर में लेकर खेला करो, क्योंकि तुम अकेले हो भैया, नॉक हो तो भाई सीधा ख़त्म नहीं होता, नॉक वॉक का चांस ही नहीं कुछ। हाँ मेरा ओपी नेड जो फेल हो जाता है, मुझे लग रहा है कि भाई बंदा अलाइव है। बेसिकली मेरे किल्स चोरी हो चुके हैं ओपोनेंट से जो उस तरफ है। यहाँ मुझे एक मिलता सरप्राइज बड़ा सा, देखो तुम लेफ्ट साइड में लौंडा टीपीपी लेके एकदम पीक ले रखा है, कतई जहर। तो भैया तुम भी खाओ एक हेडशॉट, वो डायलॉग नहीं बोलूँगा मैं कि बंदे ट्रिगर हो जाएंगे यार, या तो ऐसा बोल रहा है उसका डायलॉग है वो, तब मैं बूम हेडशॉट बोलेंगे, ठीक है उसका डायलॉग नहीं बोलेंगे, कैंसर क्यों फैलाना भैया। चलो भाई थोड़ी होगी बच्ची होती, आगे चलते। तो अभी मुझे पता है भाई यहाँ मैं ढूंढ रहा अभी भी नूब के तरह कि भाई बंदा इधर नॉक्ड होगा, बल्कि बंदे डब्बे बन चुके हैं ऑलरेडी। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि ना भैया यहाँ पे तुम्हारा कट रहा है बड़ा सा, बंदे बचे हैं सिर्फ आगे। तो वही चीज़ आ जाओ टीपीपी लेने के लिए। तो भैया यहाँ टीपीपी लिया जा रहा है, सामने लौंडे दौड़ते हुए आएंगे भी देखो थोड़ी देर में, तो उन्हें पता ही नहीं कि भाई मैं इधर हूँ। तो भैया टीपीपी लो मज़े करो। तो बेसिकली टीपीपी आपको बहुत इजी पड़ता है सोलो वर्सेस स्क्वाड में, बिकॉज यू हैव अ कवर, आपको पता है क्या चल रहा है बंदों का। यहाँ पर मैं नया कुछ लोड आउट ट्राई कर रहा हूँ, एसकेएस, मुझे पता ही है एसकेएस इज़ ओपी। और यहाँ मेरा पोटैटो एम देख सकता हूँ, मतलब भगना ज़रूरी है, एक अच्छा शॉट मारो फिर हक दो, ये भाई खून में चलता है कि भाई तुम एक बार अच्छा मारो अंदर से दिलासा आता है ना कि भाई अरे वाह तो क्या एसकेएस चला रहा है, उसके एक सेकेंड बाद तुम हारोगे, क्या कर सकते हो भैया। चलो अगेन टीपीपी क्राउच रिज का सपोर्ट, और वो भाई नॉक कैसे नहीं हो मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने चार शॉट दिए लौंडे को। तो अब ये गेम आता है माइंड गेम्स का टाइम, कि भैया तुम माइंड गेम किस तरीके से खेलते हो। अब गोल गोल रानी खेलते हैं इसके साथ डब्बे के आस पास, बहुत खेलिए यार टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम। अब मेरी फट रखी है, अब मुझे नहीं पता कि इसके बाकी दो बंदे किधर हैं। तो मैं जाता हूँ कवर में, पहला रूल है टाइम सोलो वर्सेस स्क्वाड का कवर ढूंढो, थोड़ा सा गूदा डाल के अंदर मैं लेता हूँ इसके सामान। अब यहाँ थी बात, मैं चुपचाप जा रहा था पिकाड़ो, ठीक है मुझे कोई फ़र्क नहीं था। अब यहाँ पर आ गई शॉर्ट पीछे से, अब मुझे तो भाई चुल तुम्हें पता ये किल्स के, चलो भैया गाड़ी घुमाओ लौंडे है पीछे किल्स मिलेंगे। भाई बंदे को मैंने तो हेडशॉट दे दिया था, पर यार बंदा नॉक नहीं हुआ, लेवल 3 हेलमेट। तो ये देखो मैं हर एंगल पे फ्री फायर मारते हुए जा रहा हूँ कि गलती से पीक नहीं किया, गलती से पीक कर दे तो नॉक कर देंगे।
भैया एक शॉट, ये अगर हेड पड़ जाता ना मज़ा आ जाता, पर भैया बॉडी शॉट भाई। इस गेम में आज आप लोग को दिखेगा पबजी कितना ब्रोकन है, इतने मैंने हेड्स मारे हैं ना इस गेम में, अभी नहीं है मत बोलना कि तूने हेड कहाँ मारा, आगे मारूंगा हेड AWM से। तो भैया एक भी हेड बिल्लो, यहाँ पे मेरी ऑडियो क्लिप बिगड़ गई थी, अब क्या करें, स्कैम हो गया था गलती से मेरी, वो स्टॉप बटन पर क्लिक हो गया, तो वहाँ मैं बोल रहा था एक भी हेड मेरा रजिस्टर नहीं हुआ था, आगे की वीडियोस में देखूंगा। तब मैं इस स्क्वाड पे पुश करता हूँ, तो मुझे भाई पता है बंदा लिट है, तो वापस वही रूल का फॉलो करना हर टाइम, फर्स्ट कवर ढूंढो दौड़ो। तो यहाँ मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होता होता मैं बचाऊँ, लौंडे का नेड आया देखो, क्यों भाई बंदे ने ऐसा नेड दिया कि मेरा सोलो स्क्वाड की वीडियो बिगाड़ रहे हो, गलत बात है ये, कौन है मतलब बेसिकली। चलो भैया अभी ये मतलब बता दिया गया, डब्बा बना दिया गया, दो बंदे हो गए डब्बे, भैया नीचे बॉट, अरे शर्म बॉट नीचे क्या कर रहा है, मैं देख लिया भाई बॉट है, छोड़ो अब मुझे पता है इसका एक और बंदा है कहीं ना कहीं, बस पहले उस देखो वहाँ लेफ्ट में बंदा दिख गया, अलग टीम है वो, ये ऑलरेडी लो था, इसको मैंने पहले ही मार रखा था, अब बचा बंदा यहाँ मेरा पता था हल्का सा, तो यहाँ होगी एक टीम वाइप और एक बंदा नॉक, तो बेसिकली मुझे पता है कि अभी एक और बंदा है उसको फिनिश करना है, किल्स तो लेने ही है सोलो वर्सेस स्क्वाड है, तो इसलिए बॉट किल बहुत क्रूशियल है इधर। अब मुझे दिख गया है कि एक बंदा नॉक्ड है, उसको मारना है, क्योंकि भाई बंदा नॉक है तो उसका टीममेट होगा भाई, पर बहुत ओपी चीज़ होता है इधर भाई, लौंडा गाड़ी लेके भाग लेता है इसका, भाई बचा लिया करो यार, तुम्हारा लौंडा रेंग रहा है उधर, गलत बात है। और मुझे जो लग रहा है ये दो बंदे उसके फ्रेंड्स जो मैंने सैन मार्टिन में मारा था। अब भैया आ गए हम ड्रॉप के पास, कान के वजह से गोली निकलती है मेरी, सन निकल गई, तब भाई मुझे तो पता है भाई मैं स्पॉटेड हूँ, तो वापस वही रूल फॉलो करूँ कवर, तो भाई कवर में इधर क्या चीज़ है, एक ही चमान है भाई, गाड़ी नाचो भाई गाड़ी के पीछे आगे पीछे, तो लौंडे मार नहीं पाएंगे, दूर से मुझे लौंडा दिख गया, बूम हेडशॉट पड़ा, तो हेडशॉट तो नहीं है, ये मैं इसलिए किया क्योंकि एक बंदा है कम्युनिटी में जो ऐसा बोलता है कि हेडशॉट, बल्कि हेडशॉट होता नहीं है तो भी, तो बंदे नीचे ओ माय गॉड बिग फैन, तो मुझे ये पसंद नहीं है ब्रो, हेडशॉट तो हेडशॉट, बॉडी शॉट तो बॉडी शॉट, तो बंदे को घुमाओ मत ना यार। तो भैया आगे स्प्रे में यहाँ होता है भैया स्कैम मेरे साथ बहुत तगड़ा, एक बंदा फिनिश, वो नॉक्ड बंदा उसको फिनिश कर रहा, अब आप यहाँ देख सकते हो बॉटम विंडो में से गन ग्लिच होती है लौंडे की, सामने जो कंपाउंड है उधर एक बॉटम विंडो में गन ग्लिच होती है, देखिए हाँ उधर एग्जैक्टली उधर, और मैं उसको हाथ में शॉट लेता हूँ, ये गलत चीज़ है ना भाई, मैं एक को मारा तुम अब पुश कर रहे हो यार, गलत बात है भाई, कवर में ले कितने भी HP हो, 10 HP हो कि 20 HP हो कि 100 HP हो, भाई तुम पे कवर नहीं है, तुम्हें भाई थप्पड़ पड़ेगी, चाटे है 6x के दूर दूर से, बढ़िया था ना कमेंट्री। यार पता है यार पहली बार थोड़ी बच्चों की दे रहा हूँ मैं गेम में, सुन लो अगर पसंद नहीं आया तो कमेंट में मुझे गाली बक दियो, अगली बार ये नहीं दूंगा सिर्फ टिप्स दूंगा, क्योंकि तो मैं सोचा कि बड़ी वीडियो है थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम पास भी होकर बातें करते करते। तो देखो ये है पबजी का ग्लिच रेंडरिंग, मैं उस बंदे के हेड पे मार रहा बट रिज रेंडर नहीं हो रहा है, तो वो रिज पे शॉट्स लग रहे हैं, मैंने एंगल बदला अपना, अब मुझे बताओ ये हेडशॉट कैसा नहीं है, आप इसको स्लो करके देख सकते हो, उस बंदे को मैंने हेड पे एम लगा था प्रॉपर भाई, सिर पे मैथमेटिकली एम लगा के डिग्री विग्री लगा के मारा है लौंडे को, स्लोप था ना तो वहाँ स्लिप हो गया, अब मुझे पता भाई सामने लौंडे हैं, अब इन्हें मारना है, बंदा लिट है, यहाँ पर वो ग्लिच दिखाते भाई, इतना प्यारा हेडशॉट होता वापस मैं बूम हेडशॉट बोलता, पर नहीं हुआ, क्या पता क्यों भाई, पबजी नेक्स्ट लेवल है पबजी, तो भैया ध्यान से देखना भैया, एकदम मस्त प्यारा सा 8x मुँह पे खोलूँगा, पर भाई बंदे को बॉडी शॉट लगेगा, देखिए अब मुझे एक्सप्लेनेशन कोई बताओ भैया ये कैसे हुआ भाई, 8x का डॉट उसके सिर पे भाई, एकदम बीचों बीच आर पार होनी थी गोली, वो भी नहीं हुआ। अब यहाँ देखो भैया कभी भी है ना तुम TPP लो तो ये नूबनेस ना करना जो ये करेगा, देखो क्या मतलब तुम क्या सोच रहे थे यार, तुम बुश में बैठ जाओगे कोई स्पॉट नहीं करेगा, हद है यार
ग्लिच ग्लिच, मैं शॉट्स ले रहा हूँ भाई, सारी की सारी शॉट्स पड़ रही है रिज पे, क्या ही कर सकते भैया, किस्मत ही गांडू तो क्या करेगा पांडू, सिंपल सी बात। अब मुझे पता है लौंडा नॉकड उधर भाई, पुश करना है तो भाई बूस्ट उठ हो जाते हैं। तो भाई सेकेंड चीज़ आपको रूल बताता हूँ भाई, कभी भी फाइट लेने से पहले आप अपना आपको कंप्लीट बूस्टेड रहना सोलो भी स्क्वाड्स में, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी डायरेक्शन से शॉट्स लगते हैं तो आप हील करने तक नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप सराउंडेड होते हो अलग अलग एनिमीज से, क्रूशियली एंडिंग जोन्स में। अब मुझे भाई पता है उधर एक बंदा नॉक दे तो उसको रिवाइव मिल रहा होगा, तो भैया चलते हैं करते हैं थर्ड पार्टी। जैसे मैं जब पहुँचा मैं देखता भाई स्मोक, कभी किस्मत अजमाते हैं शॉट लेते हैं तो नहीं होता है, मुझे समझ नहीं आया भाई तुम अगर मुझे शॉट ले रहे हो तो थोड़ा कुछ करो, तो मेरा बॉट बन के बैठ जाओगे तो भाई थप्पड़ पड़ेंगे यार, चांटे पड़ेंगे, क्यों नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल पड़ने चाहिए। अब ये आया भाई जोन, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो जाके फिनिश करो या तो जोन में जाओ। देखो दोनों ही सही था, या तो फिनिश करके जोन में आता या तो जोन में आके फिनिश कर दो, पर मेरे को जोन में आके फिनिश करना ज़्यादा प्रिफरेबल लगा, क्योंकि भाई पीछे भी एक स्क्वाड है। अब मुझे पता है एक लौंडा और बचा है जो पहले नॉक हुआ था, और वो भी बंदा जोन से जाता है, और मुझे वो चीज़ पता नहीं, मैं बाद में वीडियो देख के देखता हूँ भाई बंदा जोन से निकल चुका है। अब यहाँ शॉट्स आई है पीछे, अब मुझे पता है लौंडे पीछे, तो यहाँ भाई सुपर इंस्टिंक्ट्स गोकू बनने की बारी आ चुकी है, लौंडे तुम पे पुश कर रहे हैं। चलो भैया आप मजे लो वीडियो का। भाई ये गलत बात है ना भाई, तुम अगर सुपर शन बंद रखे तो तुम भाई पुश करेंगे तो भाई अल्टरनेटिव काम करेगी। यहाँ पे यार एक फ़ैन मिलने आया था मार दिया मैं, रिएक्शन टाइम भाई, अब क्या करूँ यार, अचानक से तूने साउंड दिया था मैंने घूम के मार दिया, और क्या। हेलो 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 भाई, हेलो यार, मैं अपने फ़ैन से बात कर रहा, गलत बात है, ऐसे नहीं मारते यार, कहाँ ये थप्पड़ एक और ये ले कर बूम, भाई लौंडे ने मेरा फ़ैन मार दिया भाई, गलत बात है ये। अभी मैंने एग्जिट कर दिया, एग्जिट। अब मुझे ये बंदा इतना नूब है, इतना नूब है कि भाई जोन के बाहर एक गोली छूता ना भाई मैं ख़त्म था, मतलब क्या ही बताऊँ, बोलते ना यार 1 HP क्लच हर टाइम थोड़ी होता है भाई, किस्मत भी हाथ देना चाहिए, तो यहाँ भाई किस्मत साथ दे दिया कि सामने वाला बंदा कतई नूब था। यहाँ मेरी कहने सिंगल पे मैं उसको मारने जा रहा था, बात अच्छा हो कि सिंगल पे मुझे पता चलता कि भाई बंदा फ़ैन है, बंदा मार नहीं रहा है। अब मुझे डर है भाई ये सब हरकतें कर रहा हूँ, लौंडा मार ना दे सामने से, तो भाई जाता हूँ पहले हील अप कर लो अच्छे से। अब मेरा काम है मेरे फ़ैन से मुझे बात करना है, और उस निकम्मे को मारना है जिसने मेरा फ़ैन नंबर 1 को मारा है। तो भाई इसको मैं रियलाइज़ करवाने के लिए कि भाई मैं तेरे को नहीं मारने वाला हूँ, तो सामने थोड़ा पीक पीक करता तो इसको समझ आए, क्योंकि मेरा इमोट बटन बंद है, नहीं तो मैं इमोट करके समझा देता कि भाई हाँ मैं फ़ैन, तो भाई स्पॉट हो गया है तो फैन जैसे बात कर लेंगे। अरे यही सीन है ना भाई, मेरे पास इमोट ऑप्शन में बंद रखता हूँ, देखो अब ये थोड़ा समझ गया शायद, हाँ अब ये समझ गया कि हाँ भाई लौंडा समझ गया कि बात कर ले इसको। मैं अभी प्यारी भाषा से समझाता हूँ कि भैया हम पहले सामने वाले बंदे को मारते हैं फिर बात करते हैं। भाई बिग फैन, बिग फैन भाई, बिग फैन, ठीक है भाई, बिग फैन, बिग फैन भाई। क्योंकि भाई मेरी माइक की आवाज़ आती नहीं गेम की, मुझे अलग से वॉइस ओवर देना पड़ता है, तो मैंने उसको ऐसा बोला कि भाई पहले इस लौंडे को पेलते हैं फिर भाई अपना आराम से प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, बस वही सीन। अब मुझे क्या? पता नहीं ये बंदा बोल रहा है कि नहीं, मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ तो मेरे को इन गेम, ठीक है ठीक है भाई मार दो आप, तो मुझे पता नहीं आप मारो भाई मेरे पास गन नहीं है, ज़ूम करके बातें कर रहा हूँ बस। यहाँ मैं वापस चोक करता हूँ, एक ही ऑप्शन बचा है भाई 6x गॉड स्कोप, लेट्स गो। चाटे चाटे पड़े बेटे, रेड डॉट हक देगा पर 6x नहीं हकेगा अभी। ओके लेट्स टॉक टू द फैन, भाई आपने मेरे फ्रेंड को सारे को मार दिया भाई, आपने बातें करता है भाई मेरे फ्रेंड को आपने मार दिया भाई, क्या बातें कर रहा है, क्योंकि मेरे को अभी आपसे मिलने आ रहे थे भाई हम, अगर मेरा वॉइस ओवर क्लैश हो रहा है तो आई हैव जीरो आइडिया, मेरे दोस्त देख रहे हैं आपको भाई, मेरे दोस्त देख रहे हैं आपको, कोशिश करता हूं पूरी की पूरी। एक का नाम कुशाल, एक का नाम अज्जू और किंग्स, इसका नाम होता है ज्ञान। तो ब्रो अगर तू वीडियो देख रहा है थैंक यू क्या भाई, क्या फॉर मेकिंग दिस गेम रियली स्पेशल, ज्ञान लव यू ब्रदर,
कभी खेलेंगे साथ भाई, में मेरे पक्का पास फर्स्ट तुम्हारा एड नाम नहीं पक्का है। याद रहेगा। गाइस एक बार हैशटैग ज्ञान कर देना कमेंट सेक्शन में यार, एक एक कर दो यार, ठीक बस है। ज्ञान डाल अबे दो, गन उठा लिया। भर दो कमेंट सेक्शन में। तो भाई लॉन्डे को लगे कि मैंने उसको शॉर्ट आउट भी दिया है। भाई मैं यार अपने फैंस फैंस होते हो भाई, भाई सपोर्टर्स होते हो, भाई करो भाई सपोर्ट। एक बार शॉर्ट आउट यू ज्ञान बोलो भाई, एक बार तो शॉर्ट आउट भैया यू अब मैं ज्ञान, इसको ऐसा बोलता हूँ कि अपने हील बैटल करेंगे, ठीक है? ठीक मैं है फर्स्ट वर्सेस भाई, सब शॉर्ट बोलने आउट लगा यू हूँ कि ज्ञान अपने बोलो, हील बैटल बार करते हैं, शॉर्ट आउट यू ज्ञान तो जो हील करके बचा है ना वो जीतेगा। तो ये बोल रहा है था मेरा भाई, प्लान बोल रहा है अज्जू भाई, बोल रहा है भाई, कुछ तो मेरे को बोल रहा है तो ये। हाँ भाई अभी मैं डांस वैसे कर बोलता भाई, भाई तुम डांस कर, नाच, डांस कर अरे भाई, मेरे पास डांस इमोट कर। ऑप्शन है नहीं, मैं नाचू कैसे अब? अरे चलो भाई सेटिंग ऑन करके इमोट फैन ऑप्शन एनेबल करना पड़ेगा, करते हैं। ये फैन का डिमांड है ब्रो। लो भैया मैं भी नाच लिया तेरे लिए, बंदा खुश हो गया है मैं नाचा तो, सही चीज़ है। चलो भैया अब भाई थोड़ा मैं सोचता हूँ, अब पता मेरे दिमाग में क्या आता है कि मैं गेम क्यों जीतूँ। एक काम करता हूँ, मैं मरता हूँ खुद, नेड लेके कुक कर दूंगा एंड जोन में, जब जोन भाई आप ही जब जीत अभी लो जोन भाई, आ रहा है आप मैं ही उसको जीत बोलता लो, हूँ मैं भाई मरने जा रहा हूँ। मैं नेड कुक करके बाहर जाता हूँ, तू मेरे पास मत क्यों आइए। अब मेरे को लगा भाई नहीं आएगा तो मैं बाहर जाके मरने की कोशिश करता भाई, बंदा पर या मेरे पास आके मर जाता है भाई, गलत चीज़ हो गया मेरे साथ। बट ब्रो लव यू, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस गेम रियली स्पेशल, और ये आपके सामने आज की सोलो वर्सेस कॉल वीडियो। मुझे प्लीज़ बताना कैसी लगी आपको वीडियो। Made that music. Can anybody out there hear?